श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः कठोपनिषद् इसको मेजर उपनिषदों में कहा जाता है। ये मेजर माइनर का जो विषय है यह अंग्रेजों की देन है। उपनिषद कोई मेजर माइनर नहीं होता। जैसे एलिमेंट्री फिजिक्स, फिजिक्स थोड़ी एलिमेंट्री होता है, वो तो एक ही होता है। फिर ये एलिमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए है, फिजिक्स तो वही है, एलिमेंट्री नहीं होता। तो यह जो उपनिषद है या कोई भी उपनिषद ले लो आप, सब एक समान है, कोई मेजर माइनर नहीं होता। लेकिन अंग्रेजों ने कहा है तो हमको तो स्वीकार करना ही है, हम अंग्रेजों के गुलाम अभी तक बने हैं। तो इस कठोपनिषद में भगवान वेद ने इस प्रकार से तत्व का प्रतिपादन किया है कि सामान्य व्यक्ति भी तत्व को ग्रहण कर सके। इस पर जो भगवान शंकराचार्य का भाष्य है उस पे उन्होंने उपनिषद शब्द का अर्थ बताया है। उपनिषद किसको कहते हैं? उप नी, ये दो उपसर्ग है, और शद यह धातु है। शद धातु के तीन अर्थ है, गति, हिंसा और अवसादन। तो गति माने लक्ष्य। इस उपनिषद में हमारा लक्ष्य बताया गया है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, गति। हिंसा माने नाश करना, हमारा जो अज्ञान के कारण संसार निर्माण हुआ है उस अज्ञान का नाश इस अध्ययन से होगा। और अवसादन माने ढीला करना। तो यदि इस उपनिषद का अध्ययन करके जीवन में उतारे तो इसके द्वारा यह संसार का जो बंधन है ये अपने आप ढीला हो जाएगा। तो ये शद धातु के जो तीन अर्थ है उसके पीछे उप और नी दो उपसर्ग लगाए हैं। उसका तात्पर्य है उप माने नजदीक, जैसे उपवास जिसको व्रत कहते हैं, उपवास। उप माने नजदीक, वास माने रहना। तो उपवास माने खाने का चक्कर नहीं, उपवास माने हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु के पास रहे। इसीलिए जब कोई व्रत करते हैं तो परमात्मा का नाम स्मरण अखंड चलता रहे, कथा सुने, सत्संग सुने। उप और नी माने निश्चय से, ऐसे नहीं कि अब कुछ है ही नहीं कहीं करने के लिए तो चलो जाके बैठ लेते हैं सत्संग में, कंफर्टेबल है, ठीक है, एक घंटा निकल जाएगा, नहीं, निश्चय से। तो ये तीनों चीजों को मिला करके उसका अर्थ निकलता है उपनिषद शब्देन ब्रह्म विद्या उच्चते। उपनिषद शब्द का अर्थ है अपने स्वरूप को ही हमको पहचानना है। तो यह जो कठोपनिषद है ये बहुत ही सुंदर है। इसमें से कई मंत्र भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने वैसे के वैसे उठा के रख दिए। पुरानी चोरी की आदत, लेकिन कहीं बताया नहीं कि ये मंत्र उपनिषद से आए हैं। जैसे न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयहा अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो कठोपनिषद का मंत्र है सीधा का सीधा वहां ले लिया, थोड़ा चेंज कर दिया, नहीं तो फिर वो उसमें कोई ऑब्जेक्शन आ जाएगा। तो ये जो कठोपनिषद है बहुत ही सुंदर है और इसमें कहानी के माध्यम से तत्व का प्रतिपादन किया है। इस उपनिषद में कहानी बड़ी सुंदर है और इस कहानी के माध्यम से इसका तात्पर्य हमको समझना है। तात्पर्य नहीं समझा तो कठिन है,
परमात्मा के बारे में ये ऐसा है वैसा है ऐसा नहीं बताया जा सकता, तो केवल कहानी के माध्यम से ही प्रतिपादन होता है। तो हर एक उपनिषद का प्रारंभ शांति पाठ से होता है और यहाँ भी शांति पाठ है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति शांति शांति। अब इस शांति पाठ का अर्थ, इसमें पांच बातें बताई है। पहली बात, ओम सहनावतु। ओम का तात्पर्य कोई भी सत्कार्य करने के पहले परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। ओम तत्सदिति ब्रह्मणा निर्देशः भगवद्गीता के 17वें अध्याय में बताया है। तो ओम यह परमात्मा के स्मरण की स्थिति है। ओम, फिर आप भगवान को जैसा समझ लो, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार, आपकी मर्जी, हमको सब चलता है। ओम सहना ववतु, सह नौ अवतु, तो ये सहना ववतु नहीं है, वो संधि के कारण हो जाता है। असल में सह नौ माने हम दोनों का, अवतु माने रक्षण करे। हे भगवान, हम दोनों का, किसके दोनों का, जो आचार्य है और जो विद्यार्थी है, दोनों का रक्षण करे। किससे? आचार्य का रक्षण करे विद्यार्थियों से, देखो, और विद्यार्थियों का रक्षण करे आचार्यों से, दोनों एक दूसरे के लिए परेशानी है। तो सहना अवतु सहनौ भुनक्तु, दोनों इस अध्ययन में रस लेवे। ऐसे नहीं कि अब ठीक है आना ही है तो ठीक है, क्या पढ़ना है भाई आपको, उपनिषद ठीक है बैठ लो, नहीं नहीं नहीं, बोलने वाले में भी उत्साह और सुनने वाले में उससे भी ज्यादा उत्साह। जो कार्य खुशी से होता है उसमें व्यक्ति को थकावट नहीं आती, और जो कार्य बिना खुशी से होता है उसमें थकावट आती है। तो सहनौ भुनक्तु, फिर सह वीर्यम करवावहे, इसमें दोनों को मेहनत करनी है। आचार्य भी पूरे दिल से पढ़ावे और जो विद्यार्थी है वो भी पूरे दिल से सुने। देखो, ऐसे नहीं अब इन्होंने बुला दिया, अब ना कैसे कहे जाके बैठ लेते हैं। देखो, ये भागवत की कथा में होता है ऐसा, वहां सबको पर्चे छाप के भेज दिए जाते हैं, हमारे यहाँ हम भागवत की कथा कर रहे हैं, आपको आना है। तो कहते भाई, एक हर बार तो मुंह दिखाना ही पड़ता है जाके आने में, वो वही भागवत क्या सुनना है उसमें, चलो जाके बैठते। नहीं, सहवीर्यम करवाव है, दोनों को अपने आप को पूरा लगा देना है। सहवीर्यम करवाव है तेजस्विना अधीतम अस्तु, तेजस्विनौ अधीतम अस्तु, जो हमने पढ़ा है सुना है समझा है वो हमेशा हमको याद रहे। देखो, इसीलिए हम जो बताते हैं कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज नॉट ए पार्ट टाइम प्रोफेशन, इट इज अ फुल टाइम प्री ऑक्यूपेशन। 24 घंटे में 24 घंटे आध्यात्मिक साधक होता है। तो अधितम अस्तु तेजस्विनौ, जो हमने पढ़ा है वो हमको हमेशा याद रहे। और मां विद्विषाव है, हमारे मन में किसी के भी प्रति कभी भी कोई द्वेष ना रहे। जिस अंतकरण में द्वेष होता है उस अंतकरण में ज्ञान प्रकट नहीं होता। देखो, एक ऐसी कहावत आती है सुभाषितों में, कोई लड़की बहुत सुंदर हो लेकिन उसको यदि कहीं दाग हो सफेदा इधर उधर में, तो वो एक बात उसके सभी सौंदर्य के गुणों को कैंसिल कर देती है। उसी प्रकार से सब कुछ ठीक है लेकिन मन में किसी के भी प्रति मजाक में भी एक बार भी सपने में भी यदि घृणा हो तो उस हृदय में परमात्मा प्रकट नहीं होती। कितनी महत्व की बात है ये, इसके द्वारा हमने अपने अंतकरण का निर्माण किया। और फिर ओम शांति शांति शांति। अब तीन शांति का अर्थ क्या है, इसके तो अनेक प्रकार से बताए हैं, हम आपको सिंपल बताते हैं। पहली शांति देह को लेकर के, ओम शांति माने हमारा देह हमको उपलब्ध रहे जब हम चाहते हैं तब। देखो, कई बार हमारा देह उपलब्ध नहीं रहता, 2 मिनट शांत नहीं बैठ सकते, सुबह जल्दी उठ नहीं सकते, खाने को बैठे तो कंट्रोल नहीं हो सकता,
तो ओम शांति, स्थूल देह को लेकर के हम अपने लिए परेशान न बने। दूसरी शांति मन की शांति, हमारा मन हम जब चाहे तब उपलब्ध होवे। यदि हमारा मन हम जिस कार्य के लिए चाहते हैं उपलब्ध नहीं होगा तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। और तीसरी शांति है हमारी जो गलत धारणाएं हैं, इन गलत धारणाओं को हमको मिटाना है। केवल चार गलत धारणाओं से हम सब परेशान हैं। पहली गलत धारणा अपने बारे में कि हम है कौन। दूसरी गलत धारणा ये भगवान भगवान को लेके बैठे हैं, ये भगवान है कौन। तीसरी गलत धारणा आध्यात्मिक साधना किसको कहते हैं, देखो। और चौथी साधना हम जीव जीव मान के बैठे हैं, क्या ये जीव सत्य है या कुछ और सत्य है। ये चार धारणाओं से अपने आप को बचाना, इसके लिए यह तीसरी शांति है। ओम शांति शांति शांति, माने स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह, इन तीनों के द्वारा हम प्रभावित न होवे। इस प्रार्थना के साथ अब हम इस उपनिषद में प्रवेश करते हैं। कहानी सीधी सीधी कहानी शुरू हो जाती है। ओम उशन हवई वाजश्रवसः सर्ववेद संददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस तगमह कुमारगम संतम दक्षिणा सुनीयमानासु श्रद्धा आविवेश सहा अमन्यत। ये पहले दो मंत्र है। कहते ओम, फिर परमात्मा का स्मरण करके उशन हवई वारि सर्वसः सर्ववेद संददौ। एक बार की बात है, एक वारि श्रवस माने जिसने दान धर्म करके, अन्न दान करके समाज में अपना बड़ा नाम कमा लिया था, ये बड़े धर्मात्मा है जी, इन्होंने बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं, इन्होंने बड़ा लोगों को अन्न क्षेत्र खोल दिया है, बहुत इनका नाम है, वारि श्रवस। और एक बार उशन हवई उनके मन में एक इच्छा हुई कि मैं दान करूं, सब कुछ दान करूं। फिर सर्ववेद सम ददो, उन्होंने सब कुछ अपना दे दिया, दान कर दिया। कहते हैं तस्य, ऐसे धर्मात्मा के एक नचिकेता नाम पुत्र आस, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था नचिकेत। फिर क्या हुआ, तगम ह कुमारगम संत, और वो कुमार था। कुमार माने 8-9 साल की उम्र को कुमार कहते हैं, तो 8-9 साल का छोटा सा बालक था। उसने देखा उसके पिताजी ने क्या किया। अब यहां से असली कहानी शुरू होती है। उसके पिताजी ने जो गायों का दान करना था, वेल्थ माने अर्थ माने गाय, जो गायों का दान करना था उसमें क्या किया, बढ़िया से बढ़िया गाय जो है अपने बच्चे के लिए रख दी। जो सेकेंडरी गाय थी थोड़े उससे घटिया, वो अपने पत्नी के नाम से कर दी, और मरी सड़ी गाय अपने नाम पर कर दी। और फिर उसने कहा मैं अपना सब कुछ दान कर देता हूं। ये जो मरी सड़ी गाय थी, ये गाय उन्होंने ब्राह्मणों को दान करना शुरू कर दिया, ताकि मरे तो उसका भी खर्चा उसके सर पर पड़े। ये मालूम है कैसा है, दान करने के बाद ATG सर्टिफिकेट, उससे भी कुछ कमाना ही है, देना कुछ नहीं। ऐसा जब उस बालक ने देखा कि उसके मन में एक श्रद्धा का निर्माण हुआ कि क्या कर रहे पिताजी, ऐसा कोई दान होता है। अब अपने में देखो, किसी को समझो कुछ देना हो, भिखारी को किसी को, तो हम अपना पर्स निकालते उसमें से देखते हैं सबसे सड़ी फटी नोट कौन सी है, नहीं थोड़ी देंगे, कीमत तो उसी की वही होती है सबकी। तो मनुष्य का स्वभाव है, तो दान इसलिए देते हैं ताकि ये निकल जाए घर से कचरा, और दान भी हो जाए 2-in-1। तो उसने जब देखा दक्षिणासु नियमानासु, ये जो मरी सड़ी गाय जो थी, ये जब दक्षिणा को रूप में देने लगे, तो उसके मन में श्रद्धा आविवेश। अब ध्यान से सुनना, विचार दो प्रकार के मन से होता है। एक विधेयात्मक विचार प्रक्रिया माने पॉजिटिव थिंकिंग, और दूसरी उल्टी थिंकिंग, हमेशा गलत सोचना। देखो, तो उस बालक के मन में श्रद्धा का आविर्भाव हुआ।
श्रद्धा किसको कहते हैं? शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्रों में जो कहा है और आचार्य ने जो बताया है वो किस प्रकार से सत्य है, इस प्रकार से अपने आप को समझाने का जो प्रयत्न है उसको श्रद्धा कहते हैं। जैसे हमको बताया कि देखो तुम साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा हो, ब्रह्म हो, आपको क्या मालूम है, ऐसे नहीं हो सकता। माने जब आप स्वीकार ही नहीं करोगे तो आगे कहां बढ़ोगे। तो श्रद्धा का तात्पर्य है ये पॉजिटिव थिंकिंग, उसके मन में ये श्रद्धा का आविर्भाव हो गया। श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः। बुद्धिमान ज्ञानम न लभते, केवल इंटेलिजेंट आदमी को ज्ञान नहीं होता, श्रद्धा युक्त ज्ञान हो सकता है। तो उसके मन में श्रद्धा का आविर्भाव हुआ और फिर श्रद्धा के साथ उसने चिंतन करना शुरू कर दिया। माने जो भी घटना है जीवन की, उस घटना से हम इस प्रकार से पेश आ जाए कि जिसके द्वारा अपना भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि किसी ने अच्छा बुरा कहा तो उसके पीछे लग गए। उदाहरण ले लो, एक महात्मा जी थे और उस महात्मा जी को किसी ने कुछ कहा उल्टा सीधा, तो एक सज्जन गए कि महाराज जी वो आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा देखो वो मुझे यदि देह समझ करके बोल रहे हैं कि मैं खराब हूं तो मैं इसे उनसे सहमत हूं, क्योंकि मैं भी अपने देह को तिरस्कृत करता हूं। अत्यंत मलिनो देहा देही चात्यंत निर्मला असंगो हम इति ज्ञात्वा शौच में तत् प्रचक्षते। देह अत्यंत मलिन है, देह की तो निंदा ही करनी है, तो वो मेरी निंदा कर रहे देहात्म भाव से तो ठीक ही कर रहे, मैं भी करता हूं। यदि वो मुझे आत्मा समझ करके निंदा कर रहे मेरी, तो उनकी मेरी आत्मा अलग तो है नहीं, एक ही आत्मा है, तो हर एक को अपने बारे में कुछ भी कहने का अधिकार है। इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। नहीं तो तुम्हारी टांग काट के रखो, समझ क्या रखा है। नहीं बाबा, अध्यात्म के साधक को यह गलत विचार कभी नहीं करना चाहिए, हर चीज में से कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल लो। उसके लिए एक सिद्धांत आपको बताते हैं। आपने देखा होगा पूरे विश्व में कौन से पेड़ को कहां उगना है, इसका निर्णय कौन लेता है? पेड़ लेता है क्या? परमात्मा लेता है। जैसे पाइन ट्रीज होते हैं, वो अपने रायपुर में थोड़ी बड़े होंगे, वो तो केवल हिमालय में होंगे 3000 फीट के ऊपर में। इसी प्रकार से हमारा उद्धार कहां होना है इसका निर्णय परमात्मा ने ऑलरेडी ले लिया है। तो जिस परिस्थिति में, जिस स्थान में हमारा उद्धार होगा वही हमको भेजा जाता है। स्थान परिवर्तन करने से कुछ नहीं होता, अपने को परिवर्तन करना है। तो ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है इसके द्वारा उन्होंने विचार करना शुरू कर दिया कि ये जो घटना हो रही है हमारे मन में, ये घटना ठीक ही है। और फिर क्या उसने कहा, पीतोदका जगदतृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदा नामते लोकान स्थान स गच्छति तादद। उसने विचार करना शुरू कर दिया कि देखो पिताजी कैसे गायों का दान कर रहे हैं, पीतोदका उन्होंने जिंदगी में आखिरी बार पानी पी चुके हैं, जगदतृणा अब वो घास खाने की भी हिम्मत नहीं रख सकते ऐसी मरी गाय, और दुग्ध दोहा आखिरी दूध का बूंद भी उस गायों से निकाल लिया है, निरिंद्रिया अब वो बांझ हो गई है, अब इनसे बच्चे भी पैदा नहीं होंगे, ऐसी मरी सड़ी गाय मेरे पिताजी दान कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत कार्य है। देखो तो उसने अपने पिताजी को ये देखने के बाद क्या कहा, अपने आप को पहले अनंदा नामते लोकान स्थान स गच्छति तादर। पिताजी तो गलत प्रकार का दान कर रहे हैं, ऐसा गलत दान करने से व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाता नरक में जाता है। अनंदा नामते लोका, इन्होंने अपना सत्यानाश कर लिया है अपने ही दान धर्म करने से।
उसके मन में बहुत ही ग्लानि हुई कि क्यों मेरे पिताजी ऐसा करते हैं। देखो महात्मा जी, पूरी भगवत गीता इसी एक सिद्धांत को बताती है। पहले अध्याय में यही बात बताई है, संसार प्रारंभ होता है ममता से। तीन प्रकार की ममताएं बताई है भगवत गीता के पहले अध्याय में। पहले तामसिक ममता धृतराष्ट्र की, कुर्सी को पकड़ के बैठा है, मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। दूसरी राजसिक ममता है हमारे दुर्योधन महाराज की, मदर्थे त्यक्त जीविता, सबके सब मेरे लिए मरने को तैयार है, उनका मरना महत्व का नहीं, मैं महत्व का हूं मेरे लिए। और तीसरी ममता अर्जुन की, ये अर्जुन की ममता सबसे डेंजरस होती है, इसको कहते गुड़ी गुड़ी टाइप पीपल। ये गुड़ी गुड़ी ब्रांड के लोग बड़े डेंजरस होते हैं। देखो तो अर्जुन कहता है कि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव, अपनों को मार करके कैसा कोई सुखी हो सकता है, मैं अपने गुरु को कैसे मारूं, मैं अपने दादा को कैसे मारूं। मैंने मारने का चक्कर नहीं है, चक्कर है दादा का गुरु का, वो भी नहीं है, फिर मेरे दादाजी मेरे गुरु, आपके दादा आपके गुरु हो तो मैं मार दूं मेरे। इसीलिए ममता जो है ना, यही पूरा सत्यानाश कर देती है। डोंट गो टू वेस्ट बंगाल। देखो महाराज, सत्यानाश इसीलिए होता है, ये ममता से अपने आप को बचा देना है, इसके लिए ये सब कहानी चल रही है। अब उसने सोचा कि अपने पिताजी को कैसे बचावे। सहोवाच पितरम तत कस्मै माम दास्यसीति द्वितीयम तृतीयम तगम होवाच मृत्युवेत्वा ददामि इति। फिर उन्होंने कहा कि पिताजी आप अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं, मैं भी तो आपकी ही दौलत हूं, धन दौलत हूं, तो आप मुझे किसको दोगे। देखो कितना पॉजिटिव थिंकिंग है, क्योंकि पहला अधिकार हम पर यदि किसी का होगा तो मां बाप का होता है। ये जनेऊ के तीन धागे होते हैं ना, ये स्वयं स्वीकृत बंधन है। जो बंधन स्वयं स्वीकृत होता है वो बंधन नहीं होता। देखो तो पहला धागा जो है, हम जिंदगी भर अपने मां बाप के बंधे हुए हैं, उनकी सेवा करना जब तक वो जिंदे है या हम जिंदे है करते ही रहना है, पहली। दूसरा जो धागा है हमारा, जो हमारी समाज के प्रति जो सेवा करनी है वो करनी है, ऋण है, वो ऋण कहते हैं उसको। तो मातृ पितृ ऋण, दूसरा बात समाज के प्रति जो ऋण है, समाज ने हमको इतना दिया है कुछ तो वापस करो, केवल खाते ही जा रहे हैं। तीसरा ऋण होता है ऋषियों के प्रति, हमको अपने जीवन में अपना उद्धार करना है, उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन करना, ये हमारा आद्य कर्तव्य है। तीन बातें। तो नचिकेत ने पहला ऋण चुकाने के लिए कहा कि हे पिताजी, सगम होवाच पितरम तत कस्मै माम दास्यसि इति, तत तात हे पिताजी आप मुझे किसको दोगे। गायों को तो बांध के ले जाना पड़ेगा, मुझे बांधने की जरूरत में वैसे ही चले जाऊंगा। तो ऐसा जब कहा तो पिताजी ने उसकी तरफ देखा, फिर उसने दूसरी बार पूछा द्वितीयम, पिताजी आप मुझे किसको दे रहे हो, किस ब्राह्मण के साथ मैं चला जाऊं, क्योंकि मैं तो आपकी संपत्ति हूं। फिर पिताजी को गुस्सा आया, फिर उसके तरफ देखा। तृतीयम, तीसरे बार पिताजी ने कहा, बच्चे ने कहा कि पिताजी आप मुझे किसको दान कर रहे हो। तृतीयम तगम होवाच, फिर पिताजी को गुस्सा आया, और गुस्से में आदमी क्या कह सकता है, मृत्युवेत्वा ददामि इति, मैं तुमको मौत को देता हूं। देखो घरों में होता है ना, ये माताएं कभी गुस्सा करती है, मरता भी नहीं। देखो मन की तीन चार स्थितियां है, जब आप बहुत खुश होते हो ना, किसी को वचन मत देना। जब गुस्सा होता है तो डिस्कस मत करना।
और जब मोह भ्रांति होती है तो कोई निर्णय मत लेना। आदमी इन्हीं मन के विकारों के द्वारा प्रभावित होकर के अपना सत्यानाश कर लेता है। हमारे दशरथ जी महाराज बड़े खुश हो गए, युद्ध में कैकेयी ने उनको मदद करी थी तो उस खुशी में उन्होंने कैकेयी को कहा था कि बताओ तुमको क्या चाहिए, मैं तुमको वर देना चाहता हूं, और तीन वर दे दिए और रामायण तैयार हो गई। खुश हो तो कभी कोई किसी को वचन कभी नहीं देना चाहिए। गुस्सा है तो बात मत करो, बाथरूम में चले जाओ। इसलिए इन्होंने गुस्से में आकर के कहा मृत्युवेत्वा ददामि इति, मैं तुमको मृत्यु को दे रहा हूं। अब इस बच्चे ने ऐसा जब सुना पिताजी से, क्योंकि वो पॉजिटिव थिंकिंग वाला था, योग्य विचार करने वाला था, उसने उल्टी सीधी बात नहीं सोची। उसने ये नहीं कहा पहले आप जाओ बाद में आऊंगा मैं, नहीं, उसने कहा बहु नामेमि प्रथमः बहु नामेमि मध्यमः किं स्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। उसने चिंतन करना शुरू कर दिया कि पिताजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि तुम मर जाओ, तुम मृत्यु के पास चले जाओ। बहु नामेमि प्रथमः, मैं तो हमेशा अपने जीवन में फर्स्ट रहा हूं, मैं कोई घटिया तो बच्चा हूं नहीं। हाँ कभी कभी बहु नामेमि मध्यमः, कभी कभी मैं सेकंड पोजिशन में आया हूं। तो ऐसा अच्छा मैं होने के बाद भी पिताजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मृत्यु को मैं तुमको दे रहा हूं। किम सी यमस्य कर्तव्य, अब मेरे माध्यम से यमराज का कौन सा कर्तव्य बाकी है जो मेरे पिताजी मेरे माध्यम से करवाना चाहते हैं आज पता नहीं। और ऐसा चिंतन करते करते ये उसका चिंतन चल रहा है। फिर उसने कहा देखो अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। फिर उसने अपने मन में कहते कहते पिताजी को कहा कि अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि दुनिया में लोग पहले कैसे रहते थे, या कोई यहां हमेशा टिकने के लिए आया है क्या? आया है हर एक को तो जाना ही है ना। और प्रतिपश्य तथा परे, कोई ऐसा है कि कोई आके हमेशा के लिए यहां रहा तो हमारा जीवन कैसा है? सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः, घास के जैसे हम उगते हैं और घास के जैसे नष्ट हो जाते हैं। ये दो चार दिन की जिंदगी है और इसमें कितना संग्रह करके हम रखते हैं। देखो महाराज, तो ये कथा का तात्पर्य क्या है ध्यान से सुनना। जब हम मैं की बात करते हैं तो हमारे मैं का यदि विश्लेषण करें तो केवल दो बातें होती है। एक बात होती है हमने आज तक क्या संग्रह इकट्ठा किया है, घर है, सामान है, दुनिया के सब वस्तुएं हैं, इनको इकट्ठा किया है, वही बोलते रहेंगे। फिर दूसरी हमारे कितने रिश्ते नाते हैं, इन दो चीजों को मन से हटा दो, संग्रह और संबंध। हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं, ट्राई करो। किसी के भी साथ जब हम बात करते हैं कि यही दो बातें करते हैं, अपने भूतकाल के जितने भी संग्रह है और जितने संबंध है उन्हीं को लेकर के, जिसको हम कहते हैं ना अहंकार या ईगो, इसी को कहते हैं। देखो संतो, तो जब ये बात समझ में आ जाती है, अब इसको हम आपको दूसरे प्रकार से बताते, ध्यान से सुनना। एक बार हमको किसी ने पूछा, अभी हम साउथ अफ्रीका से आ रहे, पूछा स्वामी जी आपके खुशी का क्या सीक्रेट है, आपके मस्ती का, आपके आनंद का क्या रहस्य है। हमने कहा देखो, हमने उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दिया है सालों से,
उल्टी गिनती क्या होती है? हमने कहा देखो आपका ये जो स्थान है ना केप टाउन, तो यहां हम 4 दिन के लिए आए हैं, हमको मालूम है। पहले दिन जब टपके एयरपोर्ट पर तो गिनती शुरू हो गई 4, दूसरे दिन 3, फिर 2, फिर 1, फिर जाना है। जब मुझे मालूम है कि 4 दिन में मुझे यहां से निकल जाना है, तो मैं किसके साथ दोस्ती करूंगा, किसके साथ दुश्मनी करूंगा, जाना ही तो है ना। देखो, और फिर यहां किस लिए आए? वैकेशन के लिए आए। ध्यान से सुनना, जहां भी हम वैकेशन के लिए जाते हैं तो वहां पैसे कमाने की बात होती है क्या? वहां दोस्त दुश्मन निर्माण करने की बात होती है क्या? क्या डेरा बनाने की बात होती है? नहीं, मालूम है जाना ही है। फिर वो 4-6 दिन 8 दिन जब रहते कैसे रहते हैं? मौज में रहते। यही जीवन का सत्य है। देखो महाराज, जो व्यक्ति इसको समझ लेगा जीवन में, वो सबके साथ रहेगा लेकिन किसी का नहीं होगा। एक बार हम कहीं से निकल रहे थे तो उस अम्मा ने कहा कि स्वामी जी आप जाया मत करो, हमारे पास रहो। रोना धोना शुरू कर दिया और हम पर ये आंसुओं का कोई प्रभाव नहीं होता, हम एकदम पत्थर दिल के हैं। एक अम्मा ने मुझे बताया, स्वामी जी आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। अरे क्यों? बोले आपको दिल है ही नहीं। तो वो रो के कह रही थी, स्वामी जी आप मुझे माँ कहते हो तो फिर आप क्यों जा रहे हो? तो उसके पति समझदार थे फॉर ए चेंज, तो उन्होंने कहा ये बाबा जी के चक्कर में मत पड़ना, जो अपने असली माँ बाप को छोड़ के निकल जाता है वो दूसरे को पकड़ के रखेगा। देखो संतो, ये दुनिया में दोस्त दुश्मन को निर्माण ना करे, ये याद रखे अपने को जाना है। देखो इसके बारे में ये नहीं अब जाना है तो फ्रस्ट्रेट होके रहे, नहीं। वैकेशन में जब जाते हैं हम कहीं तो वहां फ्रस्ट्रेट होके रहते हैं क्या? वहां तो मौज में रहते हैं ना। एक एक दिन पूरा पैसा खर्चा करना है, कितना बजट है? 2 लाख का। अब पूरा 2 लाख खर्चा करके निकलेंगे। इसी प्रकार से यहां एक एक क्षण पूरा जिंदा रहना है, ऐसा नहीं है अब जी के क्या करेंगे और मरते भी नहीं। देखो महाराज, एक बुढ़ाऊ हमारे जैसा छोटे बच्चे को कह रहा था कि बेटा एक आध दिन समडे वी हैव टू डाई। तो बच्चे ने कहा लेकिन बाकी दिन तो जी सकते हैं ना। देखो कितनी बढ़िया बात है। हाँ एक दिन तो मरना है, बाकी दिन मौज में रहो ना। ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है ये इस नचिकेत का चरित्र है। रोते धोते फ्रस्ट्रेट होकर के जीना यह आध्यात्मिक क्वालिफिकेशन नहीं है। सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। अब ऐसी कहानी चल रही है। आगे कहते हैं कि फिर नचिकेत चला गया यमराज के घर। अब यदि आपके मन में ये प्रश्न आता है कि नचिकेत यमराज के यहां मरने के बाद गया था कि जिंदा गया था, इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं को ढूंढना है। कैसे? इसका अध्ययन करो 10 बार, अध्ययन करो, तो आपको इससे पता चलेगा कि हमारा बचपन कहां गया। मर गया ना, हम ज्यों के त्यों, हमारी जवानी आके चली गई, हम ज्यों के त्यों। तो हमको तो मृत्यु का नित्य निरंतर दर्शन हो रहा है लेकिन हम उसको पहचान नहीं रहे। देखो इसीलिए अब यह नचिकेत चला गया, वैश्वानर प्रवशति अतिथिर ब्राह्मण गृहान तस्यैताम शांतिम कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम। तो वहां जब चले गए तो नचिकेत पहुंचे यमराज के घर, दरवाजा खटखटाया और उनको बताया गया कि आजकल बहुत ज्यादा काम हो गया है, इसीलिए 3 दिनों से 3 दिन तक के यमराज वापस नहीं आएंगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं,
तीन दिन तक वो वही रहे। नचिकेत महाराज छोटा सा बच्चा 9 साल का वही रहा, ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, ना सोना है ना खाना है ना पीना है, 3 दिन तक। यहां 3 रात्रि बताया है। तो ऐसा होने के पश्चात फिर क्या हो गया कि यमराज वापस आ गए। जैसे यमराज वापस आए वैसे उन्होंने पूछा कि भाई ये लड़का कौन खड़ा है बाहर। तो उनके जो सब लोग थे पत्नी इत्यादि, उन्होंने कहा देखो वो कोई भी हो, ब्राह्मण पुत्र है, बड़ा तेजस्वी है, 3 दिन से उसने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, केवल आपकी राह देख रहा है। जिस काम के लिए आदमी आ जाता है वो काम पूरा करने के बगैर भोग में रहना यह साधक का लक्षण नहीं है। देखो हम भोग में लग जाते हैं। तो कहते हैं वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर् ब्राह्मणो गृहान्। ये जो ऐसे जो तेजस्वी ब्राह्मण घर में आते हैं वो एकदम आग के जैसे, वैश्वानर के जैसे होते हैं। तो यदि उनकी शांति ना करो तो आपके पूरे घर को सबको समाप्त कर देंगे। तो इसीलिए तस्यैताम शांतिम कुर्वन्ती। तो हे यमराज आप पहले जाकर के उस बच्चे के, उसको पानी पिलाओ, उसके पद प्रक्षालन करो, उसका आदर सत्कार करो, इसीलिए ये लो पानी, पानी से उसका आदर सत्कार करो। फिर क्या होता है यदि ऐसा न किया तो कहते आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृतांच इष्टापूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान एतद्वृंक्ते पुरुषस्याल्पमेधसाम यस्य अनश्नन वसति ब्राह्मणो गृहे। जिसके घर में कोई आए अतिथि ब्राह्मण और कुछ भी बिना खाए पिए निकल जाए तो उसका क्या होता है, आशा प्रतीक्षे एतद् वृंते, उसके जीवन की सभी आशाएं कामनाएं नष्ट हो जाती है। जितना अच्छा बुरा हुआ था वो भी सब खत्म हो जाता है, जितना अच्छा बुरा किया था वो भी नष्ट हो जाता है, पुत्र पशु उसके घरदार उसके जितने धन दौलत है वो भी सब नष्ट हो जाती है। ऐसे जो अल्प मेधस है, अज्ञानी पुरुष है, जिसके घर में कोई अतिथि आ जाए और उस अतिथि को यदि हम आदर सत्कार न करें तो। एक बार एक महात्मा जी थे और कहीं जा रहे थे, तो उनको बताया था कि आप वहां जब जाओगे तो उठ सेठ जी के यहाँ चले जाना, आपकी वहां रहने के बंदोबस्त सब कुछ हो जाएगा। तो वो चिट्ठी लेकर के गए और बताया कि देखो ऐसे ऐसे मुझे भेज, अरे उनको कुछ काम धंधा नहीं, किसी को भी भेजते रहते, कोई जगह नहीं यहाँ, कहीं जा करके रुक लो, हमारे पास जगह नहीं है। तो उनके साथ जो कमंडल थे शिष्य थे वो गए, सब महाराज जी क्या करें, बोले शांत रहो कुछ नहीं करना है, और वो बाहर अपने बैठे रहे दिन भर बैठे। और ये जो थे गृहस्थ उन्होंने जाते क्यों नहीं, बोले नहीं अब थोड़ी देर बैठ लेते, बाहर ही तो बैठे आपके अंदर तो नहीं बैठे। और फिर शाम को उन्होंने कहा ऐसा करना मुझे थोड़ा पानी दे देना पीने के लिए। फिर नौकर को बोला भाई इनको पानी देना, और लोटे में पानी देकर के महाराज महात्मा जी को ऐसा पानी पिलाया हाथ से। और ये सब हो रहा था तो उनका शिष्य कहता है महाराज जी आप क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये श्लोक बताया था, बोले इसको पता नहीं है इस चीज का, मुझे पता है ना, मैं यदि बिना चाय पानी कुछ पी करके यदि इसके घर से निकल जाऊंगा तो इसका पूरा सत्यानाश हो जाएगा। देखो साधु संतों का ये लक्षण होता है। और ये शास्त्र है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृतांच इष्टापूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान एतद् वृंते पुरुषस्य अल्पमेधसा यस्य अनश्नन वसति ब्राह्मणो गृहे। इसीलिए किसी का हम आदर करें अनादर कभी ना करें, ये अपने ही लिए अच्छी बात होती है। अब दूसरी महत्व की बात समझ लो, हम जब किसी को आदर देते हैं तो उसका प्रभाव किस पर होता है। देखो अभी हम जा रहे थे कल, हर जगह में गणेश जी महाराज बैठे हुए, हम जाकर के गणेश जी को राम राम करते हैं, तो उस नमस्कार से प्रभाव, उस नमस्कार का प्रभाव गणेश जी पर होता है कि अपने मन पर होता है। थिंक,
हम जिसको आदर देते हैं उसको कुछ नहीं मिलता, जो आदर दे रहा है उसके अंतकरण का निर्माण होता है। देखो आध्यात्मिक साधना माने अपने अंतकरण के निर्माण का एक भाग है, वही करनी है। इसीलिए उन्होंने ये सब जान करके फिर कहते हैं यमराज, तिसरो रात्रि यद यद आवसित गृहे में अनश्नन ब्रह्मन अतिथिर नमस्य नमस्ते स्तु ब्रह्मन स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति त्रीन व्रणान वरान वृणीष्व। हे ब्रह्मन नमस्कार नमस्कार, तीन बार कहते हैं अनश्नन ब्रह्मन अतिथिर नमस्य। हे अतिथि, हे ब्रह्मन, आप तीन रात तक हमारे घर में शांत बैठे रहे, कुछ खाया पिया नहीं, अनश्नन, इसीलिए नमस्ते अस्तुते, आपको फिर से नमस्कार। और इसके लिए मैं आपको तीन वर देना चाहता हूं, क्योंकि आप तीन रात तक हमारे यहां बिना कुछ खाए पिए केवल प्रतीक्षा में बैठे रहे। देखो तीन दिन तक नहीं कहा है, तीन रात तक। तो तीन कौन सी रातें हैं हमारे जीवन की? पहली रात है देहात्म भाव से जीना, दूसरी रात है अपने को जीव मानकर के जीना, और तीसरी रात है उसका मूल कारण, वो कारण यह है कि हम ये स्थूल देह और सूक्ष्म देह इसके द्वारा ढक चुके हैं, ये ढक्कन को हटाना है। देखो हमारी मीराबाई का जो भजन है ना, इसमें उस सूक्ष्मता है, ऊपर ऊपर का नहीं है। घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। पहला घूंघट है देहात्म भाव का, दूसरा घूंघट है जीवात्म भाव का, तीसरा घूंघट है हमने अपने आप को पहचानने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया। ये तीन घूंघट हटाओ, वहां कन्हैया के दर्शन होंगे। इसीलिए कहते हैं कि हम आपको तीन वर देंगे, क्योंकि तीन रात तक आप हमारे यहां बिना कुछ खाए पिए रहे। ऐसा जब कहा, अब देखो नचिकेता का चरित्र एक अधिकारी का वर्णन है। अध्यात्म का अधिकारी कौन होता है ये बताने के लिए पूरा चरित्र समझ ले, और फिर एक शब्द में कह दे साधक कैसा होना चाहिए, नचिकेत के जैसा। उसमें सब कुछ आ गया, नहीं तो कितना भी वर्णन करते जाओ आप वो खत्म नहीं होगा। तो नचिकेत पहला वर मांगता है, शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर गौतमो माभिवृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। हे भगवान, आपने मुझे जो कहा तीन वर मांगो, तो इसमें से पहला वर मैं मांगता हूं। और देखो कितना स्मार्ट है वर मांगने में, शांत संकल्प सुमना यथा स्याम। मेरे पिताजी गौतम जो गुस्से में आकर के मुझे कह गए कि मैं तुमको मृत्यु को देता हूं, तो पहले उनके मन में शांति आ जाए, गुस्सा निकल जाए, और सुमना, और फिर उनके मन में ये ग्लानि भी ना रहे, मैंने क्यों कह दिया मेरे बेटे को ऐसे, अब वो यमराज के पास चला गया है। तो उनके मन से ग्लानि निकल जाए और उनका क्रोध जो है वो शांत हो जाए। देखो पुत्र माने पुम नरकात्रायते यहां सहा पुत्र, जो अपने बड़ों को माता पिता को पुम नाम के नरक में जाने से बचाता है उसको कहते हैं पुत्र। देखो तो उसने अपने पिताजी के मन के शांति और ग्लानि के अभाव के लिए कहा, और इसी एक ही वर में दूसरा भी जोड़ दिया, और जब आप मुझे यहां से मेरे पिताजी के पास वापस जाने के लिए कहोगे, माने वो भी उसमें आ गया, स्मार्ट है, जब आप मुझे वापस भेजोगे तब वो मुझे समझ ले, पहचान ले कि मैं ही हूं, ऐसे नहीं पता नहीं ये कोई भूत तो नहीं आ गया, वो यही स्वीकार करे कि मैं उनका ही पुत्र हूं, इस प्रकार से मुझे पहला वर दो। जो हमने आपको बताया था तीन ऋण होते हैं, पहला ऋण होता है अपने माता पिता के प्रति। मुझे किसी एक सज्जन ने भेजा था, जिस घर में
पति पत्नी प्रेम से रहते हो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, जिस घर में बच्चों के साथ भी पति पत्नी सुखी रहते हैं वो बहुत अच्छी बात है। काफी लंबी लिस्ट लगाई, आखिरी में कहते हैं ये सब होते हुए जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है वही स्वर्ग है। देखो जीवन की सबसे सुंदर बात है। तो पहली ये बात बताई कि जिस व्यक्ति के अंतःकरण में बड़ों के प्रति आदर सत्कार होगा उसी के हृदय में तत्व जिज्ञासा और अध्यात्म की संभावना है। एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। अब दूसरा वर मांगते हैं। तो पहला वर किसको लिए, हमने अपने को देह माना है तो ये वर दे दो। देहात्म भाव से जीना है तो धर्म के अनुसार जीवन चले। कल के हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, जब तक हम अपने आप को देह मानते हैं, इस जगत को सत्य मानते हैं, तब तक के हमको धर्म के अनुसार ही जीना है। अब दूसरी बात, स त्वम अग्निम स्वर्ग मध्येश मृत्यु प्रभ्रूहि त्वम श्रद्धानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वम भजन्ते एतद् द्वितीयेन वृणे वरम। अब मैं दूसरे वर के द्वारा आपको ये मांगना चाहता हूं। क्या, ध्यान से सुनना, हमारे शास्त्रों में जीव का जो सिद्धांत है उसका प्रयोजन क्या है। प्रयोजन समझ में नहीं आएगा तो पूरा जीवन केवल इसी में लग जाता है। तो इस जीवक भाव को लेकर के कहते हैं कि हे भगवान, हमको वो अग्नि माने वो कर्मकांड बताओ जिसके द्वारा हम अच्छे सत्कर्म करके मरने के बाद स्वर्ग में चले जाए। तो सत्वम अग्नि स्वर्गम अध्येति स्वर्गम अध्येश मृत्यो, हे मृत्यु भगवान आप ही मुझे बताइए स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना चाहिए। प्रब्रूहि त्वम श्रद्धानाय मह्यम, और मैं इसमें श्रद्धा रखता हूं कि मरने के बाद आदमी स्वर्ग या नरक जाता है अपने अपने कर्मों के अनुसार, इस पर मेरी पूरी श्रद्धा है। और स्वर्ग क्या है, स्वर्ग लोक का अमृतत्वम भजन्ते, स्वर्ग वो है जहां किसी भी प्रकार के मृत्यु का डर नहीं है। स्वर्ग लोक का अमृतत्वम भजन्ते एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण, यह मैं दूसरे वर से आपको मांग रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे विचार आते हैं, उसमें एक विचार यह है, एक लोग वो है जो केवल जब तक के देह में है तभी तक सत्य है, मरने के बाद कुछ नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए पहला वर। जो कहते हैं नहीं जी मरने के बाद भी तो आदमी ने अच्छे बुरे कर्म किए हैं तो उसके अनुसार उसको कर्म फल मिलेगा, उसके लिए दूसरा वर। तो ऐसा जिए कि जिसके द्वारा मरने के बाद भी हमारा जीवन सुखी रहे, उसके लिए ये बताया कि अमुक अमुक कर्म कांड किया करो, इतना दान करो, इतना धर्म करो, इतनी पूजा करो, इतना पाठ करो तो आप स्वर्ग में जाओगे। तो उसकी पूरी जो जानकारी है वो मुझे दीजिएगा, ये मेरा दूसरा वर है। और मृत्यु भगवान कहते हैं प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गम अग्निम नचिकेत प्रजानन अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठाम विद्धि त्वमेतम निहितम गुहायाम। कहते हे नचिकेत, ये स्वर्ग को ले जाने वाली जो अग्नि है मैं ठीक से जानता हूं और मैं तुमको उसका उपदेश करता हूं, तो उसको ठीक से समझ लेना। और जो व्यक्ति इस अनंत लोक माने स्वर्ग को प्राप्त करने वाला है वह बुद्धि अपने हृदय में ही है, बाहर कहीं नहीं है। देखो तो विद्धि त्वमेतप निहितम गुहायाम, तो इस स्वर्ग को देखने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं और नरक में जाने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। एक बार वृंदावन की बात है, हम बैठे थे, एक हमारे बाबूजी थे, बड़े संत महात्मा थे, अब नहीं रहे हो। हम जब उनके यहां जाते थे, पहली बार जब गए किसी के साथ, तो उन्होंने हमको पूरे वृंदावन की प्रदक्षिणा करवाई कार में बैठ करके, और बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे,
5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा आप उनकी कार में बैठे कूद भी नहीं सकते। और जैसे आंखें तो आदमी बंद कर सकता है, कान बंद नहीं कर सकता। तो 1.5 घंटा बोलने के बाद उन्होंने कहा, और क्या बोले, पॉलिटिक्स ऐसा है, लोग ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, शुरू हो गया। तो बोले स्वामी जी आप नहीं बोल रहे। हमने कहा कि अब आप बोल रहे हैं तो मैं कैसे बोलूं, एक को बोलना है दूसरे को सुनना है। बोले आप कुछ बोलिए। मैंने कहा बाबू जी आप कुछ कर सकते हो क्या, ये जितना आपने बताया लोग कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों हवा खराब कर रहे हो, कुछ कर सकते तो करो ना, नहीं कर सकते तो खराब खत्म कर डालो, क्या मिल रहा है तुमको। पता नहीं भगवान की क्या लीला है, एकदम उनको क्या हो गया पता नहीं, आमूलाग्र परिवर्तन आ गया। बोले स्वामी जी ये बात मुझे किसी ने नहीं बताई। लोग मेरे पास आते हैं लाखों रुपए के डोनेशन ले जाते हैं और मुझे चढ़ाते हैं कि बाबू जी आपके जैसा तो धर्मात्मा देखा ही नहीं, और मैं चढ़ जाता हूं, करोड़ों पति हैं, पैसे की कुछ कमी नहीं, और यही मैं पूरी जिंदगी भर करता आया, पूजा करता हूं, पोथी करता हूं, लेकिन लोग जब मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं तो अच्छा लगता है। आपने मुझे ऐसा झटका दिया, फिर आप मुझे बताओ क्या करना है। मैंने सब करना छोड़ दो, मौज में रहो। और हम उन्हीं के साथ घर में रहते थे। तो स्वामी जी आप सुबह कितने बजे उठते? मैंने 4 बजे, नहा धो करके तैयार हो जाते। दूसरे दिन वो 4 बजे मेरे कमरे में टपके, तो मैं अपने बिस्तर पर बैठ करके प्रभु का स्मरण कर रहा था, कन्हैया की गोद में बैठा था। स्वामी जी आप क्या कर रहे? हमने कहा जो मर्जी है कह लो। बोले मेडिटेशन कर रहे? बोले हाँ कर रहे। मैं बैठू? बोले बैठो, हमारे सामने बैठे उसी बिस्तर पर। और बोले मुझे सिखाओ क्या करते हैं मेडिटेशन। उसके बाद उनमें इतना परिवर्तन आ गया, इतना परिवर्तन आ गया, एकदम शांत हो गए। नहीं तो इसको डांट उसको डांट, ये क्यों किया वो क्यों किया इतना क्या, अरे राम 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 राम, और इतने वो शांत हो गए, एकदम बालक के जैसी निरागस। मनुष्य इस जगत में ऐसा फंस जाता है। तो उनके यहां हम थे, बैठे थे, चाय पी रहे थे, एक सज्जन आ गए और हमको कहते महाराज जी माफ करिए, मुझे नरक में नहीं जाना है, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। तो मैंने कहा मत जाओ, ऑप्शनल है, कोई जरूरी थोड़ी है। बोले नहीं आपको पता नहीं, मैंने सब प्रकार के पाप किए हैं, मारा है, लूटा है, सब कुछ किया है, अब मुझे डर लग रहा है कि मैं नरक में ना जाऊं। मैंने सुना है कि भागवत के 7वें स्कंद में 28 प्रकार के नरक है, जिसको जो चाहिए बहुत बड़ा लिस्ट है, चूज कर सकते हो। स्वर्ग एक ही प्रकार का है, नरक अनेक प्रकार के। तो मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूं, मुझे बचाइए बचाइए, खूब पैर पकड़ लिए। हमने कहा देखो महाराज सुनो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आप नरक में नहीं जाओगे। बोले इतना पाप करने के बाद नहीं जाओगे? बोले क्यों? हमने कहा आप तुम कहां हो? जो व्यक्ति अपने से ही परेशान है, जो व्यक्ति अपने में ही खुश नहीं है, उसको नरक में जाने की जरूरत नहीं। जैसे पिज्जा की होम डिलीवरी होती है ना, नरक की होम डिलीवरी है। देखो इसीलिए हम आपको जो बताते हैं ना, सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना यही है, मौज में रहो। 24 घंटे कौ 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 चल रहा है। इसलिए यहां कहते हैं मैं तुमको ये बताता हूं कि लोकादि मग्निम तमुआ चतुस्मै या इष्टका यावतिर्वा गता यथावा सचापि तत्प्रत्यवदत यथोक्तम अथास्य मृत्यु पुनरेवा दृष्ट। तो मैंने तुमको स्वर्ग की अग्नि बताई है कि यह स्वर्ग नरक अपने ही हृदय में है, स्वर्ग नाम का कोई स्थान नहीं है। ध्यान से सुनना, आगे जाकर के एक मंत्र में आएगा,
स्वर्गे लोके न भयम किंचन आस्ति न तत्र त्वं न जराया बिभेति उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्ग किसको कहते हैं? पहली बात, स्वर्गे लोके न भयम किंचन आस्ति। स्वर्ग वह अनुभूति है, लोक माने अनुभव। देखो तो स्वर्ग वो अनुभव है जिसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। पहला भय होता है देह को लेकर के। देह के लेकर के दो भय है, जरा और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु। इस भय से आदमी परेशान होता है, मरने से परेशान नहीं होता। दूसरा भय होता है अपने प्राणमय कोष को लेकर के, हमेशा खाने की ही बात, दूसरा विषय ही नहीं। देखो हम जब घूमते दुनिया में इधर उधर, तो लोग हमको पूछते, स्वामी जी जब आप यूरोप में जाते हो, अंग्रेजों के साथ रहते हो, तो आपको वहाँ खाने को क्या मिलता है? हमने कहा ब्रेड बटर चीज या फल फूल वो खा लेते हैं। आपको वो चल जाता है? हमने कहा देखो हम जाते किस लिए, खाने के लिए थोड़ी जाते हैं, नहीं तो पूरा जीवन खाने में ही चला जाता है। इसीलिए दूसरा भय रहता है अशना पिपासा का, चार भय हो गए। तीसरा भय होता है मन को लेकर के, मन को लेकर के शोक और मोह, मोह के द्वारा प्रभावित होकर के आदमी शोक को प्राप्त हो जाता है। तो ये छह प्रकार के भय जहां नहीं होते, इस अनुभूति को कहते हैं स्वर्ग। स्वर्ग नाम का कोई स्थान विशेष नहीं है। इसीलिए जब उन्होंने पूरी अग्नि की प्रक्रिया बताई, यज्ञ कुंड की सब बातें बताई, तो नचिकेत ने तुरंत बताया कि आपने ऐसा ऐसा ही बताया ना। बोले हाँ एकदम, तुमने तो एक भी गलती नहीं करी, 100% परफेक्ट। एक ही बार बताने से उसने सबका सब ग्रहण कर लिया। ये है अध्यात्म के साधक की क्वालिफिकेशन। एक ग्रंथ है, बहुत सूक्ष्म ग्रंथ है, त्रिपुरा रहस्य। उस ग्रंथ की छोटी सी कहानी ऐसी है कि वहां परशुराम जी महाराज ने 21 बार क्षत्रियों का वध किया। 22वें बार भगवान राम से टकराए और हार गए। तो आदमी जब हार जाता है तो बाबा जी बनता है, फ्रस्ट्रेट हो गया। और परशुराम जी फ्रस्ट्रेट होकर के मलयगिरी पर्वत पर चले गए। वहां जाने के बाद वहां एक फक्कड़ बाबा जी बैठे हुए थे। जैसे ही उनके संपर्क में गए, उनके मन के सभी विक्षेप शांत हो गए, मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने पूछा कि महाराज जी ये मुझे क्या अनुभव हो रहा है यहां? बोले इसी को तो ब्रह्मानंद कहते हैं, बिना कारण के आनंद को ब्रह्मानंद कहते। ब्रह्मानंद भोग नहीं है, ब्रह्मानंद योग है। हम जो पकोड़े और कचौरी ये खाते हैं, ये भोग है, वहां भी आनंद मिलता है, लेकिन वो भोग का आनंद है। बिना कारण का जो आनंद है वो अपना ब्रह्मानंद है। तो बोले मुझे ठीक से समझाओ, आप ठीक से नहीं समझा रहे। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम इंटेलिजेंट हो और मैं अपना गांव का हूं, छोरा गंगा किनारे वाला, मुझे तो कोई समझ में नहीं आता कैसे समझाना है। तुम ऐसे करो किसी इंटेलिजेंट गुरु के पास चले जाओ। और फिर उन्होंने पता दे दिया, दत्तात्रेय भगवान के पास चले जाओ, वो तुमको सिखाएंगे। और ये चले गए दत्तात्रेय भगवान के पास। कहते देखो जी, उन्होंने कहा ये ब्रह्मानंद ऐसा होता है, बिना साधना के कुछ मिलता है? जिनको करने का रोग है ना, ये करना वो करना ऐसे करना वैसे करना, वो मेडिटेशन भी करेंगे। तो दत्तात्रेय भगवान ने तुरंत पकड़ लिया डिसीज क्या है। बोले बिल्कुल ठीक पहले साधना तो करनी ही पड़ती है। फिर उन्होंने एक वहां का पत्र उठाया, बोले देखो ये त्रिपुरा देवी है, इसकी उपासना करो। और सब नियम बता दिए और उपासना करने से तुमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्मानंद प्राप्त होगा। अब ये गए बेचारे और उस पत्थर को जिसको कहा ये त्रिपुरा देवी है वहां रख दिया,
उसके नियम है, उसको ठंडा गर्म पानी से नहलाओ, दूध से नहलाओ, सब करो, तुम ठंडे पानी से नहाओ, उसके लिए बढ़िया नैवेद्य दिखाओ, तुम बिना खाए रहो, उसको आराम से अच्छी तरह से रखो, तुम जमीन पर सो, उसको एक जगह बैठाओ, तुम चक्कर काटो। ये एक दिन, दो दिन, एक साल, दो साल, 12 साल तक बेचारे ने चक्कर काटे परशुराम जी ने। 12 साल के बाद ही वहां गए कि ये क्या कर रहा हूं यार मैं, वही घंटी कड़ 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 हो रही, क्या कुछ हो, कुछ नहीं रहा है, पता नहीं ये कौन है त्रिपुरा देवी। तो फ्रस्ट्रेट होकर के वापस आ गए। आने के बाद कहते हैं दत्तात्रेय भगवान से, भगवान आपने जो बताया था 12 साल से मैं कर रहा हूं, कुछ हुआ तो आई नहीं, मुझे लगता है 12 साल मैंने बर्बाद कर दिए, कौन है ये त्रिपुरा देवी जिसके चक्कर में आप मुझे घुमा रहे हो। बोले देखो 12 साल नष्ट नहीं हुए, अब तुम्हारे मन में त्रिपुरा देवी को जानने की जिज्ञासा प्रकट हो गई। उपासना का तात्पर्य हृदय में तत्व को जानने की जिज्ञासा प्रकट होना है, तो ये वेस्ट नहीं हुआ। और फिर उनको तत्व का उपदेश होता है, देखो तो ये अधिकारी होना आवश्यक है, और ये अधिकारी जब होगा तो एक ही बार बताने से तुरंत समझ में आएगा। यदि परशुराम जी अधिकारी होते तो पहले ही बार महात्मा ने जो बताया था ये ब्रह्मानंद है उसी समय पकड़ लेते, फिर ये झटके खाने की जरूरत नहीं पड़ती। और नचिकेत ऐसा विद्यार्थी था, एक ही बार इतना विस्तार से बताया, एक ही क्षण में उसने सब कुछ ग्रहण कर लिया। तो ऐसे ही विद्यार्थी को देख करके गुरु महाराज यमराज बड़े प्रसन्न हो गए, और वो कहते हैं अथस्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः, बड़े प्रसन्न होकर के, तुष्ट होकर के कहते हैं तमब्रवीत प्रिय माणो महात्मा, वरम तवेहाद्य ददामि भूयः, तवैव नाम्ना भविताय अग्निः, श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपाम गृहाण। कि हे बालक मैं बहुत खुश हो गया हूं, तो बहुत ही उच्च दर्जे के हो, इसीलिए मैं तुमको एक बोनस दे देता हूं, एक बोनस वर। और वर क्या होगा, ये जो स्वर्ग की अग्नि है तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी। जैसे अपने देश में हर गली को महात्मा गांधी रोड कहते हैं, इसी प्रकार से ये जो स्वर्ग की विद्या है ये तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी। इसके बाद कोई इसको स्वर्ग विद्या नहीं कहेगा, कहेगा ये नचिकेत अग्नि है, तुम अमर हो जाओगे। और उसके साथ साथ उन्होंने उसको बहुत बड़े धन दौलत, अच्छे अच्छे गहने इत्यादि, श्रृंकाम से इमाम अनेक रूपाम गृहाण, ये सब का सब आप ले लो। आप देखो यमराज भी उसको थोड़ा थोड़ी लालच दिखा रहे थे। अब ये होने के पश्चात ये जो स्वर्ग की अग्नि है या स्वर्ग की उपासना है या स्वर्ग का कर्म कांड है उसके बारे में बताते हैं। त्रिनाचिकेत त्रिविरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्म यज्ञम देव मीड्यम विदित्वा निचा ये माम शांतिम अत्यंतमेति। कहते कि जो व्यक्ति इस नचिकेत अग्नि की कर्मकांड की 3 बार इसका चयन करेगा, माने 3 बार माने अपने माता पिता और आचार्य इनकी सेवा के माध्यम से, तो वो जन्म मृत्यु के परे चले जाता है। और इस ब्रह्म तत्व को जानने के बाद व्यक्ति बहुत ही बड़ा श्रेष्ठ होकर के उसके जीवन में हमेशा के लिए शांति कृतकृत्यता प्राप्त हो जाती है, इसीलिए यह करना चाहिए। ये सब कुछ होने के पश्चात त्रिनाशिकेत त्रयमेत विदित्वा एवं विद्वान चिन्तये नाशिकेतम च मृत्युपाशान भूत प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। तो ऐसा ये जो त्रिनाशिकेत विद्वान ये सब प्रकार के कर्मकांडों को कर लेता है, उसको यह देह नष्ट होने के पश्चात फिर ये हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है और स्वर्ग में रहता है। और इसीलिए
एष ते अग्नि नचिकेत स्वर्ग यमवृणिता द्वितीयेन वरेण एतम अग्नि तवैव पश्यन् प्रवक्षन्ति जनांसा तृतीय वरम नचिकेतु वृणीष्व। तो इसलिए नचिकेत जिसने ये दूसरे वर के अनुसार इस अग्नि का योग्य प्रकार से साधना करी है उसके बारे में सब तुमको मैंने बता दिया है, अब तुम अपना तीसरा वर मांगो। और ये जो तीसरा वर है नचिकेत का, ये है अध्यात्म का। तीन बातें ध्यान में रखना, एक होता है धर्मशास्त्र, दूसरा होता है उपासना शास्त्र, और तीसरा होता है अध्यात्म शास्त्र। धर्मशास्त्र जगत के साथ व्यवहार की प्रक्रिया को कहते हैं, उपासना जीव को लेकर के होती है। ये जीव को स्वर्ग में जाना है, नरक में नहीं जाना है, गोलोक में जाना है, वैकुंठ में जाना है, ये जीव को लेकर के है। और अध्यात्म में हमको अपनी पहचान करानी है। भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हमको अपने आप को पहचानना है, यही जीवन की कृतकृत्यता है। देखो, नहीं तो जिंदगी इसी में चली जाती है, हमने इतना किया दुनिया का भला लेकिन क्या मिला? आज तक किसी को दुनिया में कुछ भी नहीं मिला। देखो महाराज, कितनी आंखें चले गए, केवल इतना ही स्मरण रहे। हमको अपने माँ बाप को हम जानते हैं, दादा दादी नाना नानी को जानते हैं, पड़दादा पड़दादी इत्यादि को जानते हैं। तीन चार पीढ़ियों के पहले चले जाओ, कभी याद आता है कोई था भी? यही कहानी आपकी हमारी होने वाली है। लेकिन ऐसे लगता है यहां हमेशा के लिए आए हुए, यही तो संसार है महाराज। तो जो व्यक्ति कर्म के द्वारा अंतकरण को शुद्ध कर लेता है, उपासना के द्वारा अंतकरण को एकाग्र कर लेता है, वही तत्व चिंतन का अधिकारी है। और उसी के अंतकरण में तत्व चिंतन जागृत हो जाता है, नहीं तो पूरा जीवन इसी में चला जाता है। सो अब ये नचिकेत का तीसरा प्रश्न पूछो। देखो, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति ते के नायम अस्ति इति चैके एतद् विद्याम अनुशिष्टत्वयाहं वरणामेश तृती वरस्तृतीयः। अब ये मेरा तीसरा वर है। नचिकेत कहता है कि मनुष्यों में एक ये भ्रांति है, संदेह है, डिस्कशन चलते रहता है। क्या? येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, मनुष्य जब ये मर जाता है तो कोई लोग कहते हैं कि मरने के बाद भी बचा रहता है, कोई कहते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं रहता। और आप तो साक्षात यमराज हो, मृत्यु के देवता हो, आपसे बड़ी अथॉरिटी और कौन होगी? आप मुझे ये बताइए कि मरने के बाद हमारी क्या स्थिति है? तो एतर विद्या अनुशिष्टस्त्वया, मैं आपके द्वारा इसके बारे में ज्ञान देना चाहता हूं, यही मेरा तीसरा वर है। अब ध्यान से सुनो, एक बार हम पिलानी में थे, मिट्स पिलानी के बगल में एक स्कूल है, वहां विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। अब स्टूडेंट्स थे 10वीं 12वीं के, तो उनके सामने बोलना है तो उनको ब्रह्म ज्ञान है थोड़ी बताते, उनको तो वैसा विषय बता दिया। और हमने ये बताया कि अब इसको लेकर के केवल विद्यार्थी ही प्रश्न पूछ सकते हैं, दूसरा कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं केवल विद्यार्थियों को ही संबोधित कर रहा था। फिर भी एक बुढ़ाव खड़े हो गए, स्वामी जी आई हैव गॉट ए क्वेश्चन। हमने कहा बैठ जाओ, मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। तो बड़ा गुस्सा आ गया, फू फू करके निकल गए। फिर सब कुछ होने के बाद मैं प्रिंसिपल के कमरे में गया। वहां जाने के बाद हमने कहा कि सर उनको बुलाइए, वो टीचर कौन थे बड़े गुस्से में चले गए, तो मैं उनसे माफी मांगूंगा। उनको बुलाया, आ गए। हमने कहा कि भगवान मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था उस समय, क्योंकि आपका प्रश्न गलत जगह में गलत प्रश्न था, इसलिए वो गुस्से में तो थे ही। तो कह दिया, आपको क्या पता है मेरा कौन सा प्रश्न था, सबके सामने मेरा अपमान कर दिया। हमने कहा भगवान मैं आपकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन आपका प्रश्न गलत था उस समय। बोले कौन सा प्रश्न था मेरा बताओ। हमने कहा आपका प्रश्न था मरने के बाद क्या होता है।
बोले आपको कैसे पता चला? हमने कहा आपके चेहरे से, आप जिंदा थोड़ी हो। फिर हमने उनको पूछा, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, आप कौन हो, हिंदू के मुसलमान? बोले हिंदू हूं। हमने हम आपको जलाएंगे? बोले नहीं 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 ऐसी बात नहीं, उनको लगा मैं उनको जिंदा जला रहा हूं। ऐसी बात नहीं। फिर कैसी बात है? हमने कहा ठीक है, मरने के बाद क्या होगा? हमने कहा आप मरोगे उस दिन स्कूल को छुट्टी होगी एक दिन की, लेकिन संडे को मत मरना, एक छुट्टी खत्म हो जाएगी। नहीं 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 ऐसा नहीं। फिर कैसा है? बोले मरने के बाद जीव कहां जाता है? देखो ये हम लोग के दिमाग में ठोक ठोक के भर के रखा है, मरने के बाद जीव निकल गया और फिर दूसरे घर में घुस जाता है। कहां जगह खाली, कहां जगह खाली, घुस गया। ये मूल जो गलती है इसको ठीक करने के लिए कठोपनिषद है। देखो महाभारत में एक कथा आती है, एक ग्रंथ है छोटा सा जिसका नाम है सनत सुजातीय। उस सनत सुजातीय में स्पष्ट रूप से पूरा क्लियर बताया है मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में ये हो गया है कि मरने के बाद स्वर्ग जाओ नरक जाओ, तो कौन जाएगा स्वर्ग नरक, कौन है ये जीव? इसको लेकर के ये प्रश्न आता है ऋषिकेत का कि लोग कहते हैं, कोई कहते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं बचता, दूसरे कहते हैं नहीं नहीं बचता है, तो ये दोनों में से सत्य क्या है इसका निर्णय केवल आप ही ले सकते हैं, ये मुझे बताओ। देखो अब उसने ये नहीं पूछा, पहली ड्यूटी जो थी माता पिता के लिए पूरी कर ली पहले वर्ष से, दूसरे वर्ष से दूसरी ड्यूटी पूरी कर ली कि सबका भला हो, अच्छा रहोगे तो स्वर्ग में जाओगे, दूसरा पूरा कर लिया। अब तीसरी ड्यूटी अपनी तरफ है कि हम कौन है। देखो कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासनम मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत निर्निवाह। जब तक के हम अपने बारे में नहीं पहचाने कि हम हैं कौन, कौन है, तो ये जो विचिकित्सा ये संदेह है, इस संदेह को लेकर के मैं जानना चाहता हूं आपके मुख से कि ये बताइए कि मरने के बाद हम कौन रहते हैं, क्या मरते भी है या नहीं मरते, ये सब हमको बताइए। शतायुष्य पुत्र पुत्र पौत्रान वृणीष्व बहून पशुन हस्ति हिरण्यम अश्वान भूमेर महत आयतनम वृणीष्व स्वयं जजीव शरदो या वदिच्छसी। अब देखो परीक्षा हो रही है विद्यार्थी की, कहते हैं कि देखो बेटा तुम ये चक्कर में क्यों पढ़ते हो, मरने के बाद क्या होता है, क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है? मैं तो तुमको 100 साल की उम्र देता हूं, तुमको बच्चे होगे और पोते होगे और बहुत सारा धन दौलत होगा और अनेक प्रकार के हीरे जवाहरात और पशु पक्षी सब मिलेंगे, ये संपूर्ण पृथ्वी जो है वो मैं तुमको दान कर देता हूं और तुम भी 100 साल तक हमेशा जीते रहोगे। फिर भी नचिकेत के चेहरे पर कोई उत्साह नहीं, शांत खड़ा है। ए तत्तुल्यम यदि मन्ने से वरम वृणीष्व वित्तम चिरजीविकाम च महाभूमो नचिकेतस्त्वमेधि कामानाम त्वा काम भाजाम करोमि। हे नचिकेत और भी कुछ सोचते हो कि ऐसा हो वैसा हो, वो सब तुमको मैं देने को तैयार हूं, ये संपूर्ण विश्व का आधिपत्य भी देने को तैयार हूं, तुम्हारे मन में जो भी कामना हो सभी की सभी कामनाओं को पूरा करने का बंदोबस्त मैं कर देता हूं। फिर भी नचिकेत शांत, कोई उसमें उत्साह नहीं। ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान कामा छंदतस प्रार्थयस्व इमा रामा सरथा सतुर्या नहि दृशा लंभनीया मनुष्यैः आभिर्मर्त्यताभि परिचारयस्व नचिकेतु मरणम मानुप्राक्षी। और उसको और प्रलोभन दिखाए कि ये देखो इस स्वर्ग में जो रहने वाली भिन्न भिन्न सुंदर अप्सराएं हैं जो मनुष्य के लिए
दुर्लभ है, ये सब के सब तुम अपने मन से मांग लो, सब मैं तुमको दे दूंगा। और ये नहीं कि ये अमीर घर की है तो तुमसे काम करवाएगी, मैं इनको बताऊंगा कि तुम्हारी सेवा करो, ये सब के सब तुम्हारी सेवा में लगी रहेगी, लेकिन ये मरने के बाद क्या होता है ऐसा प्रश्न मुझे मत पूछो। देखो मनुष्य के जीवन में दो चीजों में आदमी फंस जाता है, एक तो अर्थ में, दूसरा काम में। जो अर्थ और काम से ऊपर उठा है उसी ने धर्म में प्रवेश किया, और जिसने धर्म का जीवन जिया है, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना, यदि हमने धर्म के अनुसार जीवन किया है तो हृदय में भोग और अर्थ दोनों के प्रति वैराग्य प्रकट हो ही जाता है। हमारी यदि ये धारणा है कि हम बड़े धार्मिक है, हम बड़े अच्छे हैं, लेकिन हृदय में वैराग्य का नाम अलेश नहीं है, तो हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो ये सब चीजें देने के पश्चात अब नचिकेत का ये जो वाक्य है 26वें मंत्र का, इसको हमेशा याद रखना है। शोभावा मर्त्यस्य जदंत कैतर सर्वेन्द्रियाणाम जरयंती तेजः अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव तवैव वाहा तव नृत्य गीते। नचिकेत कहते हैं यमराज को, ये यहाँ की सुंदर अप्सरा आए, यहाँ का भोग नृत्य गीत, यहाँ के बड़े बड़े गाड़ियां, ये आप अपने पास रखें, हमको नहीं चाहिए। कारण क्या, अब उसका विश्लेषण देखो। शोभावा मर्त्यस्य, यहां हमेशा के लिए कोई नहीं रखता रहता, कल सबको सब जाना ही है। और सर्वेन्द्रियाणाम जरयंती तेजः, आप मुझे जो कह रहे हैं जितनी आयु चाहिए मांग लो, मुझे आयु कब तक रहेगी, जब तक के आप इस यमराज के पोजीशन पर होगे, जब आपको यहां से हटा दिया जाएगा तो फिर मेरी कोई कीमत नहीं रहेगी, इसीलिए जब तक आप हैं तभी तक मैं हूं, तो मुझे कोई प्रलोभन मत दीजिए ज्यादा उम्र का। और भोग की बात है, सर्वेन्द्रियाणाम जरयंती तेजः, जितना आप भोग करोगे उतना आपके इंद्रियों का तेज खत्म हो जाता है। यदि आपको भोग में असली आनंद लेना है ना, तो जो वस्तु आपको बहुत अच्छी लगती है उसको मत खाओ, और महीने में एक बार थोड़ी सी खा लो, देखो कितनी खुशी होती है। एक बार एक बच्चा था, अमेरिका की बात है, उसको कोई एक पर्टिकुलर आइसक्रीम चाहिए था, नहीं था उस दिन, तो बहुत रोया धोया। तो मैंने उसको समझाया, देखो तुमको आइसक्रीम एंजॉय करना है क्या, बोले हाँ। हमने कहा ये टेक्निक ले लो, जो तुमको अच्छा लगता है ना उसको एक महीने तक मत खाओ, सामने हो तो भी मत खाना, और एक महीने के बाद केवल एक चम्मच खाना, ज्यादा मत खाना, और देखो कितनी खुशी होती है। वो बच्चे समझ गया, उसने एक महीने तक आइसक्रीम नहीं खाया, और एक महीने के बाद केवल एक चम्मच खाया, उसको इतनी खुशी हो गई, आहा। फिर मुझे उसने फोन किया, स्वामी जी आपने जो टेक्निक बताया बड़ा पक्का है, उस दिन मुझे जो एक चम्मच आइसक्रीम खाने की खुशी हो गई थी, उतनी खुशी पूरा मैं एक किलो भी आइसक्रीम खा जाऊं तो नहीं मिलती। देखो हमारे स्वामी अखंडा जी महाराज कहते थे, इस दुनिया में इतने चने हैं कि खा खा करके आपके दांत खत्म हो जाएंगे, चने खत्म नहीं होंगे। देखो भोग करके भोग की तृप्ति नहीं होती, वो और बढ़ जाता है। इसीलिए सर्वेन्द्रियाणाम जरयंती तेजः, और अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, आप कितना भी कहो जीवन जियो ये अल्प ही होता है। हम कहेंगे किसी बुढ़ाओं को दे करके, अब इनके अब आयु हो ही गई, उनको बुढ़ाओं को पूछो, अभी तो मैं जवान हूं। एक बुढ़ाओ ने मुझे कहा, स्वामी जी आदमी ने कब तक जीना चाहिए, हमने कहा जब तक मरता नहीं तो जीते रहो और क्या। बोले अब मैं हो गया हूं 80 से ज्यादा हो गया हूं, और कितना तुम्हारी इच्छा कितनी है, मैंने उनको पूछा। बोले उन्होंने देखो कैसे के उदाहरण दिए, तुलसीदास जी 125 साल जिए थे, अब मैं 80 साल का हूं, अभी तो कितने साल और रह सकता हूं,
बाकी के लोग अब ये बूढ़े हो गए, इनको बड़े कष्ट होते हैं, इनके कष्ट हमसे नहीं देखे जाते हैं। रोज बेचारे को इंजेक्शन लगता है और हॉस्पिटल पे जाना पड़ता है, अब इनके कष्ट हम नहीं देख सकते, भगवान इन पर दया करे। अब ये दया का अर्थ हमारे लिए क्या, उनके लिए क्या है? देखो, इसीलिए अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, किसी को भी नहीं लगता कि आप मैं बूढ़ा हो जाऊं, खत्म हो जाऊं, बिल्कुल नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। इसीलिए तवई ववाहा तव नृत्य गीते, ये जितने आपने मुझे लालच दिखाई है, प्रलोभन दिखाए, ये आपके लिए रखे। ये भोग की बात हो गई, उम्र की बात हो गई। अब आगे कहते हैं पैसे की बात। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष चेत्वा जीविष्यामो यावदिश्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीय स एव। अब इसके पश्चात पैसों की बात करते हैं, इसको हम कल बताएंगे, क्योंकि अभी आप लोग थक गए हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।